अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arwayzap.com। बोलो क्या हो रहा था। बस शादी पे जाने की तैयारी हो रही थी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हें शादी में जाना है। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर तुम नहीं जाती तो हम इसी तरह बातें करते रहते। ताई अम्मी के इकलौते भांजे की शादी है हैदर, सब जा रहे हैं, मेरा जाना भी जरूरी है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें देखना है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ अच्छा सुनो हैदर, रुको। माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे। बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही हो। वैसे एक बात बताओ मुझे, और कितनी लड़कियों की तुम ऐसे ही तारीफ करते हो? बस जो खूबसूरत और प्यारी लगती हैं, कर देता हूँ तारीफ। हैदर, मेरी खूबसूरत सी और मासूम सी प्रिंसेस खूबसूरती प्यार की नजर से दिखाई देती है, और मुझे तुमसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी लड़की नजर ही नहीं आती। मिनहल, बेटा रेडी हो गई हो तो नीचे आ जाओ। जी आ रही हूँ ताई अम्मी। अच्छा सुनो, ताई अम्मी बुला रही हैं, अभी मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा रुको रुको, एक मिनट। बोलो। रात में आकर कॉल जरूर कर लेना मुझे। जाहिर सी बात है दे। ओके बाय। अच्छा सुनो सुनो, एक और बात। बोलो हैदर। अपनी अम्मी या ताई अम्मी से कहना कि नजर उतार लें तुम्हारी। वो उनकी रोज की रूटीन है हैदर, मुझे याद नहीं करवाना पड़ता। ओके बाय। अरे भाभी, वो मिठाई और गिफ्ट वगैरह रखवा दी किसी ने गाड़ी में? हाँ कुलसुम से गाड़ी में रखवा दिया था सर। बहुत अच्छा। ज़ाहिदा तैयार हुई कि नहीं हुई? वो तो देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो मेरी बेटी। जान तो यहाँ निकला है। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को हर बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। अरे वली भी तक नहीं आया। अरे तुम तो जानती हो वली ऐसे देखो भी जाने से जरा कतराता है। वली सुबह मुझे मना करके गया, कह रहा था कि हम जाके बाद में मुबारकबाद दे आएंगे। देखिए बाबा, आपने ताई अम्मी को अपने साथ मिला के अपनी हर बात मनवा लेता है। अपनी गुड़िया की कौन सी बात टाली है मैंने? चल मेरी देर हो रही है। एक मिनट। कुलसुम कुलसुम, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। मुझे पता था आप मिनहल अम्मी की नजर उतारने के लिए मिर्चे ही मंगवाएंगे। ले लीजिए बाप। हैदर, तुमसे इतना नहीं होता कि पूरे दिन में इसे एक आध घंटे के लिए ही संभाल लिया करो। क्या हुआ ऐसे? शाम से रोए जा रही है, इतनी मुश्किल से अभी जाके चुप हुई है। अच्छा अब चुप हो गई ना, अब आप इसे सुला दें जाए प्लीज। कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन जिद कर रही है, नहीं सो रही। तुम प्लीज इसे बाहर ले जाओ, कोई काम नहीं करने दे रही मुझे।
हवा में टहलाओगे तो क्या पता सो जाए। देखो देखो कैसे तंग कर रही है मुझे। आप ही, मुझे प्रैक्टिस नहीं है, खास तौर पे इस एज के बच्चे नहीं संभलते ना मुझसे। बस बस रहने दो, अपने बच्चे होंगे ना तो देखूंगी कैसे संभालते हो। उनकी अम्मा संभालेगी, मैं कहाँ संभालूंगा। अच्छा प्लीज तुम ले जाओ ना, देखो मुझे तंग कर रही है। फैज का 3 बार फोन आ चुका है, नहीं बात करने दे रही है, रोए जा रही है और वो अलग परेशान है कि पता नहीं इसकी तबीयत खराब है। ये लो ना। चलो भाई चले, आ जाओ मामू की गुड़िया। हाँ हाँ, अब मामू को खूब तंग करना। चलो बाय बाय। बाय बाय। चलो आ जाओ गुड़िया, मामू के साथ बाहर चलो। अच्छा सुनो, जब तक ये सो ना जाए ना, प्लीज इसे मेरे कमरे में लेके मत आना। तौबा, आजकल की माँओं से एक बच्ची नहीं संभलती है। हाँ तो थोड़ा सा मामू भी संभाल लेना। अम्मी, अम्मी। अरे क्या है भाई, क्या हो गया? अम्मी आप भी मेरे साथ आ जाना, मैं अकेला कितनी बातें करूंगा इससे। अच्छा चलो। चौहान साहब से मीटिंग तो फाइनल हो गई थी, बट उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। ईमेल का वेट करें फिर देखते हैं क्या कहता है। ईमेल भी आएगी और रिस्पांस भी पॉजिटिव होगा। लेट्स सी। बहुत थक गया हूँ यार, थोड़ा सा रेस्ट करने दे। ठीक है, जब तक खाना खा लेते हैं। ओके। शुक्रिया। सब घर वाले तो शादी पर गए हुए हैं। जी मालूम है मुझे। अब एक काम कर, बल्कि ये बताइए कि खाने में क्या बना है, ये मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँ। सब कुछ तैयार है छोटे साहब, और बड़ी बेगम साहिबा कहकर गई थी जब आप आए तो आपको खाना देकर आराम करने का कहूँ। आराम हम बाद में कर लेंगे, पहले आप खाना लगाइए, बहुत भूख लगी है। जी अच्छा। बस यार इस बार मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँ पापा खुश हो जाए। भाभी मैं सोच रही थी कि फहाद और उसकी बेगम को और उनके घर वालों को हम लोग डिनर पे बुला लें इस संडे। भाई मैंने कहा था आपस, लेकिन परसों सब वापस जा रहे हैं, लंदन की फ्लाइट है और दुल्हन का भी वीज़ा लग गया है। अच्छा तो वो लोग सिर्फ क्या शादी में शरीक होने के लिए आए थे? अरे भाई जितना भी परदेस में रह लें ना, शादी ब्याह का मज़ा तो अपने ही मुल्क में और अपनों के साथ ही आता है। वैसे सब ने ही बहुत इंजॉय किया आज। वो तो मैं देख ही रहा था कितना इंजॉय कर रहे थे आप लोग। क्या मतलब है आपका इस बात से? मुझे लोगों के साथ, आप लोग बैठे हुए थे ना इस फैमिली के साथ, ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से इनसे वाकिफ थे आप लोगों की, ऐसे कुछ हो कि आपस में बातें हो रही थी। अरे नहीं नहीं, वो तो बस इत्तेफाक से आकर हमारे साथ बैठ गए थे। वैसे बड़ी अच्छी फैमिली थी, 2 बेटियां थी उनकी, बड़ी बेटी का तो रिश्ता कर चुके हैं और छोटी अभी कॉलेज में पढ़ रही। मुझे तो दानिया बहुत ही मासूम लगी, कितनी सीधी सादी सी थी वो। कहीं आप लोगों का इरादा वली की तरफ तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, वो तो बेचारी अपनी सादगी में अपनी सारी तफसीलात बताती चली गई हमें, बल्कि जब मैंने आपका नाम लिया तो कहने लगी शायद उनके हस्बैंड आपको जानते हैं। कहीं हमारी फील्ड से तो उनका ताल्लुक नहीं है? वो भी सकता है। तो भाभी आप तो जानती होंगी ना थोड़ा बहुत। अरे नहीं सज्जाद, वो लड़की वालों की तरफ से थे। वैसे बहुत अच्छी फैमिली की लड़की ली है आपकी बहन ने। हाँ वैसे ये तो सच है कि बड़ी अच्छी फैमिली है, बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं। मैंने तो अपना नंबर देकर उनसे उनका भी नंबर मांग लिया था। ये बहुत अच्छा किया तुमने। और बहाने से तलाल को बुलाकर भी उनसे मिलवा दिया। अरे बहुत खाते पीते अमीर लोग हैं। जब हम सब बाहर निकल रहे थे वापस आने के लिए तो उस वक्त उनकी गाड़ी देखी थी खबर तुमने? वाह 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 वाह, गाड़ी ऐसी है तो घर कैसा होगा उनका। देवरानी जेठानी और मिनहल की ज्वेलरी देखकर तो मैं दिली दिल में दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह यही लड़की इस घर की बहू बने। मैं दूर बैठा तुम्हारी हर बात समझ रहा था। लेकिन शबनम, टाट में मखमल का पेवन लग नहीं सकता। जब भी निकालना अपने मुंह से बुरी ही बात निकालना तुम। अरे नहीं निकालना चाहता बुरी बात, लेकिन हमारी हकीकत तो तुम्हारे सामने ही है ना। हमारे सामने ना, किसी और के सामने तो नहीं आ रही ना ये सच्चाई। और मुझे तो पूरा यकीन है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। या अल्लाह, जो शबनम सोच रही हैं वैसा ही हो, आमीन। बस मैं फोन पर उनसे ताल्लुकात बढ़ाती हूँ और बाकी के मामला तुम संभाल लेना। उनको इस बात पर राजी करना है
कि तलाल से बेहतर रिश्ता बिनहल को मिल ही नहीं सकता। अब देखो तुम, मैं करता क्या हूं। तुम्हें पता है हैदर, दुल्हन इतनी प्यारी लग रही थी और आज फहद भाई भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा छोड़ो ना उन्हें, तुम ये बताओ हम कब मिल रहे हैं? पूरे 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए यार। कितना झूठ बोलते हो तुम हैदर। क्या मतलब भाई, 2 दिन हो गए मिले हुए। लेकिन देखा तो था ना, आज ही वीडियो कॉल पे बात की है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक दिन नहीं देखूँ ना तो दम घुटने लगता है मेरा, सांस नहीं आती। अच्छा बताओ ना, कल मिल रहे हैं ना फिर हम? मिलूंगी। सही है, एक धुन बनाई है मैंने, सुनाओ तुम्हें। बिल्कुल सुनूंगी, सुनाओ, मैं सुन रही हूँ। क्या बात है भाई, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, बस नींद आ रही है। लगता है तुम्हारी धुन सुनते सुनते सो जाऊंगी। अच्छा लगेगा मुझे, तुम्हारे सुकून के लिए तो बजाता हूँ। सुबह सवेरे उठा के बैठा दिया है, रात को भी इतनी देर से आंख लगी थी मेरी। तुम्हें और रयान को कुछ ज्यादा नींद नहीं आती? रयान तो सारी रात गेम्स खेलता रहा। कोई आउटडोर गेम्स हो तो बात समझ भी है, इस तरह पढ़ाई छोड़ के ऊट पटांग के घर में बैठ के गेम्स खेलना ये अच्छी बात नहीं है अम्मी। अच्छा छोड़ो ना, अभी जगा दूंगी उसे, सुबह सवेरे पीछे मत पड़ जाया करो मेरे बच्चे के। भाई जल्दी कर ले, मुझे लेट हो रहा है, मेरी पहली क्लास है। अभी टाइम है दानिया, वक्त पे पहुंचा दूंगा। तलाल तुमने बात की अपनी प्रमोशन की बॉस से? अपने काफी मीटिंग्स में बिजी थे बॉस, आज मौका मिलेगा तो बात जरूर करूंगा। मुझे भी तुमसे आज एक जरूरी बात करनी है। बोलिए। पहले बात को सीढ़ी पे चढ़ा तो लो, अभी से बताकर बच्चे को परेशान करने का फायदा? इसका मतलब बात मेरे बारे में ही है। हाँ तुम्हारे बारे में ही है, लेकिन फिलहाल तुम इसे छोड़ो, अपनी प्रमोशन की बात कर लेना बॉस से, लाजमी। भाई चले। चलो खुदा हाफिज़ बेटा। कितनी अच्छी लाइफ है ना इन दोनों की। क्या मतलब? दानिया बेफिकर होकर अपनी स्टडीज कर रही है और तलाल की अच्छी जॉब है, दोनों इसी में मसरूफ हैं, और मैं मेरा रिश्ता करके फंसा के बैठा दिया है मुझे घर में। तो शादी के बाद अपने शौहर की इजाजत से कर लेना कोई अच्छी सी जॉब। हाँ हाँ, अब मैं वहां जाकर उनकी गुर्बत खत्म करने के लिए ख्वार हो जाऊँ। हफ्सा मम्मी मैं सच बता रही हूँ, आपने और अब्बू ने ना ये सही नहीं किया है मेरे साथ, मैं वहां शादी नहीं करूंगी, उनको फोन करके मना कर दें आप उन्हें। वैसे कह तो सही रही है ये भी, सिर्फ अच्छा लड़का ही देखा था मैंने,
और क्या है उनके घर में? कुछ भी नहीं। जाहिदा ने बताया था कि एक बेटा भी है उनका। कितना अच्छा हो कि मिनहल रुखसत होकर यहाँ आए और हफ्सा उनके शानदार घर की बहू बने। इकलौता बेटा है उनका, सब कुछ मेरी बेटी को भी तो मिल सकता है। तो सुनते ही सो गई, ऐसे लगा जैसे लो रही। कल तुम्हारे बारे में सोचते सोचते एक और धुन मेरे दिमाग में आई है, वो भी जल्द बनाऊंगा। इतनी अच्छी जॉब मिली है तुम्हें, उस पर फोकस इस वजह से नहीं कर रहे ना क्योंकि कहीं और सीवी फॉरवर्ड कर दिए? बाहर क्यों जाना चाहते हो तुम? अंदर तुम्हारे और मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए ये ज़रूरी है मिनहल। अच्छा फ्यूचर नहीं चाहिए है देर, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम समझ नहीं रही मिनहल, यहाँ पर स्कोप नहीं है बिल्कुल भी, और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जैसी ज़िंदगी तुम जी रही हो इससे भी अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ तुम्हें। अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ? तुम तो कहते थे कि एक लम्हा भी मिनहल मैं तुम्हें ना देखूँ ना तो दिल कटता है मेरा, दिन भारी हो जाता है। भारी तो बहुत गुजरेगा ये वक्त, लेकिन सारी ज़िंदगी की खुशियों के लिए ये मुश्किल वक्त हम दोनों को साथ में गुजारना पड़ेगा। मैं मेरी खुशी हर लम्हा तुम्हारे साथ रहने में है। जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि मेरी खुशी और ख्वाहिश के लिए तुम मेरी बात मान जाओगी और वक्त आने पे मुझे खुशी खुशी रुखसत करोगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें अपनी नई धुन के बारे में बताता हूँ। उसकी फील ये है कि बड़े बड़े पहाड़ हों रेगिस्तान हो तब भी हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आ सकता। हारमोनिका बजाना छोड़ दो है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, पता नहीं एक अजीब सी वीरानी, एक अजीब सा अकेलापन है इसकी आवाज में। और तुम्हें पता है मैंने ताई अम्मी से भी पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा कि एक वीरानी है इसकी आवाज में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस बेकार की बातें हैं, पुराने लोगों की थिंकिंग है ये। शायद हम दोनों की दुनिया हमेशा आबाद रही।
झोले फैलाकर आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रही। लोग तो बहुत अच्छे, पुरखलूस, प्यार करने वाले, कदर करने वाले, लेकिन उनके हालात अगर पहले जैसे हो जाएं, तो हमें शायद कोई एतराज नहीं होता इस रिश्ते से। अब मेरे पास नहीं कुछ सो गई नूर। बच्चे बिला वजह जिद नहीं करते, उसी वक्त रोते हैं जब उन्हें कोई तकलीफ हो या फिर भूख लगी हो। फैज तो बहुत परेशान हो रहे थे कल इसे लेकर, लेकिन जब मैंने बताया कि हैदर बाहर लेकर गया सुराने के लिए तो खुश हो गए। हैदर मोहब्बत भी तो बहुत करता नूर से। फैज भी बहुत चाहते हैं हैदर को, उन्हें तो बेसब्री से इंतज़ार है इसके बाहर आने का। कह रहे थे कि टूरिस्ट कंट्रीज में बहुत स्कोप है होटलिंग बिजनेस का, हैदर बहुत तरक्की करेगा। उसके बाहर जाने का सोचकर तो परेशानी होने लगती है मुझे अम्मी। लेकिन उसने बाहर तो जाना ही है ना हर हाल में, मलेशिया का काम हो या ना हो, मैं अमेरिका जाते ही अपने पास बुला लूंगी। और फिर माम की स्टडीज भी कंप्लीट हो गई हैं, फैज चाह रहे थे कि इन दोनों की शादी हो जाए। मैंने तो अभी तक हैदर से बात तक नहीं की, तुम और फैज तो शादी का प्लान बना चुके हो। आप रहने दें अम्मी, फैज खुद बात कर लेंगे, और आप देखिएगा हैदर मना कर ही नहीं सकता फैज को। और माम इतनी खूबसूरत है, अमेरिकन नेशनैलिटी वाली लड़की को कौन बेवकूफ होगा जो मना करेगा। तुम दोनों जब चले जाओगे तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना। क्यों अकेली रह जाएंगी, हैदर बाहर जाते सबसे पहले आपको बुलाएगा अपने पास, और बस फिर हम तीनों साथ में होंगे। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पेपर्स बन गए, क्या कहा उन्होंने। अम्मी वो तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम हैदर के साथ ही होगा। आपको तो पता है मेरा बचपन से हर काम अटक जाता है, लेकिन अब देखिएगा हैदर की लग से मेरा काम भी बन जाएगा। इंशाल्लाह जरूर बनेगा। शादी पर मिलवाया था ना उन लोगों से मैंने तुम्हें। अम्मी ये अब किन चक्रों में पड़ गई है। देखो मैं फैसला कर चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी करवा कर ही दम लूंगी। मैं शादी से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अपने जैसे लोगों में करवाए ना। फजूल की बातें मत करो, तुम्हारी शादी अगर होगी ना तो किसी अमीर कबीर बाप की बेटी से ही। एक बार पहले भी तो एक अमीर कबीर फैमिली में रिश्ता किया था, क्या हुआ जब उन्हें हमारी असलियत का पता चला तो इनकार कर दिया ना उन्होंने। तो इस बार असलियत का पता ही नहीं चलने देंगे ना, चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। लेकिन अम्मी देखो पुरानी बातें याद करने का कोई फायदा नहीं, भूल जाओ। अबू आप अम्मी को समझाए। बेटा माँ बाप अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल का ही सोचते हैं, धोखेबाजी से नहीं। क्या कहा तुमने, अपने माँ बाप को धोखेबाज कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं है। सारी जिंदगी इतनी अच्छी परवरिश की तुम्हारी, परवान चढ़ाया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज अच्छी जॉब पर फाइज हो, और तुम ये बातें सुना रहे हो हमें। बेटा तुम में या हम में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर अमीर घर की लड़की आ जाती है तो हम उसकी कदर करेंगे। लेकिन मुझसे आप लोग अब किसी किस्म के झूठ की उम्मीद नहीं रखिएगा। एक बार आप लोगों की वजह से झूठ बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, जो तुम्हारी बेहतरी की बात होगी हम दोनों वही करेंगे। खुश। बड़े जो फैसला करते हैं उसमें बरकत होती है। झूठ में बरकत नहीं होती, बेबरकती होती है। गुनाह है ये अबू। लेकिन अम्मी उन्हें देखें और हमें देखें, जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों को अपना ये फैसला बदलना होगा। देखो तला, अगर तुमने मेरे फैसले की खिलाफ वर्जी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। छोड़ो इसे, तुम बाहर के सारे मामलात सेट करो ताकि 19-20 की भी ऊंच नीच ना हो सके। ठीक है, मैं उन लोगों को फोन करके मिलने मिलाने के मामलात तय करती हूँ। ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई कर दिया मेरा इसने अपनी बातों से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अम्मी अब्बू के कहने पर
उस मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। जब कल मैं और वली एक काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है वहां, तो आप लोग भी हमारे साथ चले। हाँ क्यों नहीं, क्या ख्याल है मिनहल, चले? मेरा तो पॉसिबल नहीं होगा मामा, मेरी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। तो ठीक है जाहिदा, तुम इन लोगों के साथ चली जाओ, मैं मिनहल के साथ घर में रहूंगी। नहीं भाभी नहीं, मैं इन लोगों के साथ एक बार फिर जाने की इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती, क्योंकि ये बाप बेटा दोनों अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और मैं होटल में अकेली बोर हो रही होती हूँ। इससे बेहतर तो यही है कि हम यहाँ रह के एक साथ वक्त गुजारें। ये भी ठीक है। फोन। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जाहिदा मैं शबनम बात कर रही हूँ, पहचाना आपने? वो शादी पर मिली थी। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल जी। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैंने सोचा आज आपको फोन करके सलाम दुआ करूँ, आपकी खैरियत पूछूँ। उस दिन बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलकर। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जल्दी मिलो, सबसे पहले तुम्हें बताना है। पापा घर पर है हैदर, अभी नहीं मिल सकूंगी। तुम जल्दी से बताओ ना खुशखबरी क्या है। इसका मतलब अब मुझे कल तक वेट करना पड़ेगा यार। हैदर कहीं तुम्हारा वीजा तो नहीं आ गया? यार जब मिलोगी तब बताऊंगा ना। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी हैदर, प्लीज मत जाओ। हल, मैंने कहा ना जब मिलोगी तब बताऊंगा, अभी क्यों टेंशन ले रही हो। अच्छा जल्दी अपने टेरेस पर आओ, एक चीज दिखानी है तुम्हें। क्या तुम बाहर हो? हैदर कहाँ हो तुम? हैदर अब ऊपर देखो, कितना खूबसूरत सनसेट है ना। दिन भर से जो सूरज जल रहा था, कितनी खूबसूरती से बादलों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया है। बिल्कुल पागल हो हैदर। बड़ी खुश इखलाकी से बात की उन लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकार नहीं करेंगे अब वो। अरे बात बताओ ना, बात क्या की तुमने उनसे, हमें कब जाना है? मैंने उनसे कहा है कि उनके एरिया में तुम्हारे किसी रिश्तेदार की बीमार पुरसी करने के लिए जाना है, तो उनकी तरफ भी चक्कर लगा लेंगे। बड़ी खुशी से वेलकम किया। बड़ा खुशकिस्मत है मेरा तलाल, उसके किसी काम में आज तक कभी रुकावट नहीं आई। दुआ करो ये काम भी चुटकी बजाता ही हो जाए। इंशाल्लाह जरूर होगा। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ चाय पिलवा दो, अभी लेकर आई। हमारे दो सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा मैं, और वापस आते ही तुम्हारे घर वालों से हमेशा के लिए मांगूंगा तुम्हें। दो सेमेस्टर्स का मतलब पता है तुम्हें हैदर? पूरा एक साल होता है, और एक साल में कितने दिन, कितने घंटे, कितने लम्हे होते हैं, कुछ अंदाजा है तुम्हें? जानता हूँ मैं मिनहल, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे बगैर के वक्त कितनी मुश्किलों से कटेगा, लेकिन तुम्हारी सपोर्ट से इस मुश्किल वक्त को आसान बनाना चाहता हूँ मैं। वो कैसे? देखो तुम हमेशा मुझसे कांटेक्ट में रहना, मैं जब भी फोन देखूँ तो तुम्हारे बहुत से मैसेजेस आने चाहिए। तुम अपने हर दिन का हाल बताना, कैसा गुजरा, क्या क्या किया, और मैं भी तुम्हें अपनी रूटीन बताऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के भेजूंगा वहाँ से, और फिर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और अगर तुम चाहो तो मुझसे मिलने भी आ सकती हो वहाँ पे। ठीक कह रहे हो तुम, मिलने तो मैं आ सकती हूँ। तो बस ठीक है, तुम अगर मिलने आ जाओगी तो वक्त का पता ही नहीं लगेगा, पहाड़ जैसा ये वक्त रूई के गालों की तरह उड़ जाएगा। ये बताओ कि क्या कर रहे हो? परसों रात की फ्लाइट है। क्या
परसों रात की फ्लाइट है हैदर और तुम मुझे अब बता रहे हो। देखो मिनल, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है यार। और तुम्हारी सपोर्ट से मैं इस मुश्किल वक्त को आसान बनाना चाहता हूँ। प्लीज बताओ, दोगी ना मेरा साथ? आज तुम्हारी शॉपिंग करेंगे। थोड़ी देर बैठ जाएं, बस फिर चलते हैं। ठीक है। आजकल तो दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ बाहर ही मिल लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आना। शुक्रिया। वैसे क्या बिजनेस है आपका? बेटा तो अब आपके साथ ही होता होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक वक्त था सज्जाद साहब, जब सब कुछ था हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर पता नहीं कब कहां नादानिस्ता तौर पर मुझसे गलती हो गई, सब कुछ चला गया, गिर गया मैं, अर्श से फर्श पर आ गया। प्यार, खलूस और एक दूसरे की इज्जत ज्यादा अहमियत रखते हैं। आप इन दुनियावी चीजों की फिक्र क्यों करते हैं खावर साहब? नहीं नहीं शबनम, फिक्र नहीं कर रहा, वो तो बस ऐसे ही। लेकिन सज्जाद साहब, हौसला नहीं हारा हूं मैं, दोबारा खड़ा होऊंगा। मेरा तलाल मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है, मेरा बाजू है, वो खड़ा करेगा मुझे दोबारा। वैसे अगर आप बुरा ना मनाए तो बिजनेस क्या था आपका? खावर राणा एंटरप्राइजेस का नाम तो आपने सुना होगा। जी जी, लेकिन मैंने सुना कि उनके पार्टनर धोखे से। जी यही हकीकत है। ओ माय गॉड, तो आप वो खावर हैं? अब तो वो बिजनेस निसार इंडस्ट्रीज के नाम से चल रहा है। मैं तो कब का निसार को माफ भी कर चुका हूं। मेरी वालदा मोहतरमा कहती थी, अल्लाह दरगुजर करने और माफ करने वालों को माफ करता है। बेशक बेशक, तो बस वहां माफी मिल जाए, बुलंद दर्जात मिल जाए, इससे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है। बहुत अच्छे और ऊंचे ख्यालात हैं आपके, और मुझे भी इस बात का यकीन है कि जितने बुलंद आपके हौसले हैं, इंशाल्लाह आप इससे भी ज्यादा ऊपर जाएंगे। जी जी बिल्कुल, हमारा तलाल भी यही कहता है। माशाल्लाह अपने पुराने ऑफिस में सीईओ था, अब तो मामूली सी जॉब कर रहा है। खैर मामूली तो नहीं, घर का बहुत अच्छा गुजारा चल रहा है, वो कभी किसी चीज की कमी ही नहीं आने देता। मैंने उसी के सिलसिले में बात करनी थी आप लोगों से आज। हैदर, मेरा बच्चा मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमी आप ही हैं ना आपके साथ, और मैं हर साल चक्कर लगाया करूंगा, और एक दिन मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। पता नहीं कब लेके जाऊंगा। अच्छा अमी, रोए मत ना प्लीज, मैं आपके आंसुओं से कमजोर नहीं पड़ना चाहता। अम्मी मुझे अपनी दुआओं से रुखसत करें, आंसुओं से नहीं। मेरा बच्चा, मेरी जान। आप लोगों ने कहीं हमारी बात का बुरा तो नहीं मना लिया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी जहाँ बेटियां होती हैं वहां रिश्ते तो आते ही है ना। लेकिन इतनी बड़ी बात का फैसला हम इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते, आपको सोच समझ के जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल, आपकी इकलौती बेटी है, आपका पूरा हक है कि उसके लिए बेहतर से बेहतर फैसला करें। लेकिन मैं आप सबको एक चीज का यकीन दिलाना चाहती हूँ, मैं छोली फैलाकर आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रही हूं।
यकीन रखे कि आपकी उस प्यारी सी बच्ची का हमसे बेहतर कदरदार नहीं मिलेगा आप लोगों को। सज्जाद साहब, आप लोग जैसा मुनासिब समझें वैसा ही होगा। हम बहुत बेचैनी से आपके जवाब का इंतजार करें। जी जी जरूर, आप कुछ लीजिए ना प्लीज। यकीन तो कर लिया उन्होंने मेरी बात पर, लेकिन क्या बेटी देने के लिए राजी हो जाएंगे? घर बुलाकर आए तो हैं हम, अब देखो क्या बताते हैं। वैसे भी अब सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकते हम। चलो कर लेते हैं इंतजार। उनकी तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन क्या महल उस घर में गुजारा कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग तो बहुत अच्छे हैं, पुरखलूस, प्यार करने वाले, कदर करने वाले, लेकिन उनके हालात अगर पहले जैसे हो जाएं, तो हमें शायद कोई एतराज नहीं होता इस रिश्ते से। हाँ, हमारी मिनहल को भी खुश रखते हैं, लेकिन खैर अब तो बात दूसरी है ना। मामा ने मुझे बताया भी नहीं, और यहां मेरे रिश्ते की बात हो रही है। मेरे ख्याल में तुम फोन करके माजरत कर लो उनसे। ठीक है, कर लेती हूँ माजरत, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करूंगी, ऐसा ना हो कि उनका दिल दुख जाए। चलो ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, लेकिन इस बात का मिनहल को पता नहीं चलना चाहिए। जी ठीक है। हाँ मिनहल। हैदर, हैदर मैंने अभी घर वालों को बात करते सुना है, लोग शायद मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। क्या? तुम फौरन अपने घर वालों से बात करो और उनको कहो कि यहाँ के हमारे रिश्ते की बात करें, प्लीज। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। मिनहल प्लीज कुछ करो। हैदर मिनहल, तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। हैदर, कब से जानते एक दूसरे को? 2 साल से। 2 साल से? और तुमने हमें बताया तक नहीं? हैदर बहुत अच्छा लड़का है मामा। कौन लोग हैं, खानदान कैसा है, आखिर ये सब कुछ भी तो देखना होगा ना। हैदर की अभी मलेशिया में जॉब भी लगी है, आज सुबह ही 5 बजे की फ्लाइट है उसकी। बहुत सादा लड़की है, ना कोई अना ना गुरूर। आप दोनों मिलेंगे तो बहुत पसंद आएगी आपको। मामा प्लीज कुछ करें। हैदर की कॉल है। मामा मैंने उससे भी कहा था कि अपने घर वालों से बात करें, तो रिसीव करो उसकी कॉल। हेलो हैदर। मिनहल, मेरी आप ही तुमसे बात करना चाहती हैं। अच्छा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो मिनहल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा हाफिज़। मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। देखा, मैंने कहा था आपको बहुत पसंद आएगी। चलो अब तो खुश हो ना जी। बस अब कल जा रहे हैं हम लोग। मगर शादी तुम्हारी मेरी मर्जी से ही होगी हैदर। अब मेरे you।